मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर शाम के 3 बजे दुमका पहुंच रहे हैं। सीएम आज एग्रो पार्क स्थित नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो दुमका वासियों के लिए बड़ा तोहफा होगा। इसके बाद कन्वेंशन सेंटर में ही विभिन्न गांवों से आए लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे और आम लोगों से मिलेंगे। कल मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा लहराएंगे। मुख्यमंत्री संथाल परगना के विकास को लेकर तोहफा भी दे सकते हैं। पुलिस लाइन मैदान में सीएम को 14 प्लाटून की ओर से सलामी दी जाएगी। पुलिस लाइन मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सीएम शहीद स्थल पर श्रद्धा पुष्प अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनके कार्यक्रम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को यहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा, उसके मद्देनजर यहाँ पूर्व से ही सुरक्षा का आकलन किया जा रहा है। एक मुख्य स्थल पुलिस लाइन में है और साथ साथ जो एयरपोर्ट से लेकर के इनका जो कारपेट जो रहेगा और रूट लाइनिंग होगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके संबंध में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर लिया जा रहा है और पूरे टाउन में जो है ट्रांसपोर्ट की भी और जितने ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ कर लिया जाएगा। जगह जगह पर बाहर से भी फोर्स मंगा करके और तैनात की जा रही है। 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री आज दुमका पहुंच रहे हैं। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शाम के 3 बजे आज दुमका पहुंचेंगे और कल मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पुलिस लाइन मैदान से झंडोत्तोलन करेंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद आज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे और शाम में आम लोगों से रूबरू भी होंगे मुख्यमंत्री। हम अभी मौजूद हैं पुलिस लाइन मैदान में और आप देख सकते हैं कि कल जो गणतंत्र दिवस का झंडोत्तोलन होगा उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। झंडोत्तोलन को लेकर जो है जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है उसमें भव्य पंडाल बनाए गए हैं। लोगों को आने के लिए 4 तोरण द्वार तैयार किया गया है, जिसमें एक VIP गेट भी है जिससे मुख्यमंत्री पुलिस लाइन मैदान में प्रवेश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो तैयारी है उसके लिए मंच तैयार किए गए हैं, उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ जो VVIP MLA और जो मंत्री आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी और मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करने के बाद जो है मुख्यमंत्री आम लोगों से को संबोधन करने के बाद जो है वो जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो झांकियां बनाई गई है जिसमें वन विभाग से लेकर शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग की जो झांकियां है उनका अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है आम लोगों से मिलेंगे भी। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री आज दुमका पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद जो है सबसे पहले कन्वेंशन सेंटर जो 500 लोगों की बैठने के लिए ऑडिटोरियम बनाया गया है उसका उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री आज परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। सुवीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।